दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ। मैं हूं आसिया। शुरुआत करते हैं बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में शोर होगा ही, और इसी शोरगुल के बीच बजट पेश होने से लेकर कई जरूरी कामकाज भी हुए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सत्र की शुरुआत में बीजेपी के जो तेवर थे धीरे धीरे कमजोर होते दिखे, यानी हाउस के अंदर और बाहर विपक्ष की शुरुआती धार धीरे धीरे कर कुंद होने लगी है। सदन में कुंद पड़ी विपक्ष की धार। सत्ता पक्ष ने कहा मुद्दा विहीन है विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण कमजोर पड़ी बीजेपी, बाबूलाल का आरोप, सदन में बोलने नहीं देती सरकार। बीजेपी को अभी तक सदन में उसका नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। विपक्ष बाबूलाल मरांडी के नाम पर अड़ा है। सदन अभी तक बाबूलाल को बीजेपी का नेता ही नहीं मानता। अब ऐसे में भला बिना मांझी के नैया कितने दूर तलक जाएगी। वैसे ये बात भी है कि जिस बाबूलाल को बीजेपी सदन में अपना नेता मानती है, पार्टी के अंदर ही कई लोग उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाबूलाल भी थोड़े शांत शांत नजर आ रहे हैं। बाबूलाल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि हाउस में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए ऐसा है, पत्थर पर सर पटकने से सर टूटेगा पत्थर नहीं टूटेगा। ये सरकार पत्थर बन चुकी है, निर्दयी हो चुकी है, निर्मम हो चुकी है, निष्ठुर हो चुकी है। इस सरकार के पास सर पटकना है हम लोगों को। जब किसी विषय को लेकर के हम लोग जाते हैं, ये सरकार उसको नजरअंदाज करने का काम करती है। उसका है मानेंगे, हमको तो आप देखेंगे बोलने नहीं देते हैं। वो तो बड़ा मुश्किल से हाथ उठाने के बाद भी उसने देखे हाउस को एडजोर्न किया, बाद में आए तो बोला कि हमने देखा नहीं। आप बताओ यार, तो फ्रंट में बैठे हुए तब भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। एग्रेशन इसलिए आप कह सकते हैं कि सदन के अंदर हम लोगों ने जितनी मुखरता के साथ लोगों की विषय को रखा है, और जिस तरह से सरकार के मंत्रीगण जिस तरह से यहाँ घेराए हैं, जिस तरह से उनको जनता ने देखा है, हम लोगों ने अपना जो विरोध है वो विरोध पहले जिस तरह से किया था उसके स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने चेंज किया, और सदन की कार्रवाई के साथ इसके सब चीजों का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। एनडीए की सहयोगी आशु भी दबी जुबान से ये स्वीकार करते दिखी कि नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण सदन के अंदर बीजेपी की वो मजबूती नजर नहीं आई। हालांकि ऊपरी तौर पर आशु इस बात को मानने से इनकार भी करते नजर आई। नहीं, बिल्कुल ही हम लोग एग्रेसिव हैं, और सत्ता को जनमुद्दे के संदर्भ में हम लोग आंख दिखाने का काम हमेशा आगे भी करते रहे। विपक्ष विधानसभा स्पीकर पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाती है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार के कामों और जनता के समर्थन ने विपक्ष को लाचार कर रखा है। मुद्दा वहीं विपक्षी सदन में भला करेंगे भी क्या, पड़ गया नहीं, टाइम टाइम फीस हो गया है विपक्ष, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। वो केवल जो है इस लोकतंत्र के मंदिर का उन्होंने अपमान किया है, इस लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया है, और जिस भाषा और जिस तरीके का व्यवहार और आचरण प्रस्तुत किया है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास कुछ कहने को ये नहीं है, इसलिए बार बार सदन का वॉकआउट कर जाते हैं। बीजेपी के पास अपने जीते हुए 25 विधायक हैं। बाबूलाल ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन पांचवी विधानसभा के दूसरे बजट सत्र तक बीजेपी को उसका कप्तान नहीं मिल पाया है। अब देखना है कि विपक्ष का ये इंतजार कब खत्म होगा, या फिर दल बदल, स्पीकर कोर्ट और सुनवाई का पिछली सरकार से शुरू हुआ सिलसिला अभी जारी रहेगा। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, आखिर क्यों कूद पड़ी है विपक्ष की धार सदन में, जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी राकेश से। राकेश, आखिर क्यों कूद पड़ी है बीजेपी की धार? क्या नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिलना इसकी वजह है, या फिर बीजेपी के अंदर बाबूलाल की स्वीकार्यता नहीं है ये भी एक वजह है सामने आ रही है, या फिर विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है?
नहीं देखिए आसिया, जो आपका सवाल है उसके कई सारे आयाम है, कई सारे उसके आप कह सकते हैं जवाब है। एक तो आपने भी देखा होगा कि शुरुआत जब बजट सेशन की शुरुआत जब हुई तो जो जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी आपको हाउस के अंदर और हाउस के बाहर आपको नजर आया होगा बीजेपी, वो अब बीते हुए अगर 3-4 दिनों को सेशन को अगर आप देखें आसिया, तो वो आक्रामकता बीजेपी की नज़र नहीं आई। कई सारे मुद्दे थे, चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हो, अवैध उत्खनन का मसला हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ऐसे तमाम मसलों पर बीजेपी बेहद आक्रामकता के साथ सरकार को घेरती हुई नजर आई थी। लेकिन धीरे धीरे वो जो आक्रामकता थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल पड़ गई, थोड़ी स्थिर पड़ गई। वजह आप भी समझती हैं कि आपके पास कप्तान नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पास नहीं है, उसकी मान्यता आपको नहीं मिली है, तो उसका भी एक असर इस बार के बजट सेशन में हाउस के अंदर देखने को मिला। और ये कहते हैं ना कि बिना मांझी के आप नाव को कहाँ तक खींच सकते हैं, तो यही कुछ इस सेशन में भी नजर आया। शुरुआत में जरूर बीजेपी के जो विधायक थे वो आक्रामक नजर आए, लेकिन जो सपोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन का मिलना चाहिए था, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता बाबूलाल मरांडी को मिली नहीं है, तो वो सपोर्ट वो अपने विधायकों को दे नहीं पाए, ना तो हाउस के अंदर दे पाए, ना हाउस के बाहर दे पाए। हाउस के अंदर बाबूलाल मरांडी ने कई दफ़ा कई मुद्दों पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और आज बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को भी कहा कि हाउस के अंदर उनको की इजाजत नहीं दी जाती है। तो कई सारे इश्यूज रहे जिसको बीजेपी बहुत तरीके से उठा सकती थी, रख सकती थी, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन न होने का खामियाजा आप कह सकती हैं कि इस बजट सेशन में बीजेपी को मिला। जो आक्रामकता शुरू में बीजेपी ने दिखाई थी, वो आखिरी सेशन जैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब 2 दिन का ही सेशन बचा हुआ है, सरकार के सारे बिजनेस हो चुके हैं, लेकिन उस बिजनेस के बीच में भी आप देखेंगे अगर 2-3 दिन पीछे अगर आप जाती हैं विधानसभा के सत्र को देखें आप आसिया, तो बाहर जिस तरीके से प्रोटेस्ट होता था मुद्दों को लेकर, वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अंदर में आपने देखा होगा कि हर आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल में विधानसभा की कार्रवाई बाधित हो जाया करती थी विपक्ष के हंगामे के बाद, वो चीजें नजर नहीं आई। हाउस जो है वो थोड़ा स्मूथ चलने लगा, हालांकि लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो वो बेहतर संकेत भी है कि अगर हाउस आपका स्मूथ चलता है, जन मुद्दे बेहतर तरीके से विधायक उठा पाते हैं, तो ये एक पहलू है और इसको आप पॉजिटिव वे में देख भी सकते हैं। लेकिन दूसरा एक इशू ये भी है कि बीजेपी के पास उनका नेता नहीं होना कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा हुआ है इस सेशन में, और यही वजह रही कि जो एग्रेशन जो शुरुआत में नजर आया था बीजेपी का, वो एग्रेशन धीरे धीरे कर अब जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आसिया, राकेश का ये आरोप भी लगाए कि स्पीकर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये भी वजह अब सत्ता पक्ष बता रहा है कि मुद्दे ही नहीं है बीजेपी के पास, सरकार के जो कामकाज है उस पर सवाल उठाने लायक कुछ है नहीं, तो क्या ये भी एक वजह देख रहे हैं? मुद्दे हैं, देखिए कई सारे मुद्दे हैं। अवैध उत्खनन के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत जोर शोर से चीज़ों को उठाने की कोशिश की थी हाउस के अंदर में। आपने देखा होगा कि बालू के मसले पर, बालू घाटों की नीलामी के मसले पर बीजेपी ने बेहद आक्रामकता के साथ सदन के अंदर में चीज़ों को रखा था। विपक्ष को लगता है जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक है जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि क्या मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, और ये जो आक्रामकता थी शुरुआत के दिनों में वो कुंद क्यों पड़ गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई पत्थर से हम कितना टकरा सकते हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, सरकार हमारी बात को गंभीरता से ले नहीं रही है, हम जिन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं सरकार उस मुद्दे पर चर्चा कर नहीं रही है। तो ये भी एक विपक्ष का अपना नजरिया है, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि मुद्दे नहीं थे विपक्ष के पास, इसलिए विपक्ष की धार जो है वो कुंद पड़ गई। ओवरऑल पूरे प्रोस्पेक्ट्स में देखें अगर आप विधानसभा के इस बजट सेशन को आसिया, तो कहीं ना कहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कमी थी वो कमी इस बजट सेशन में बीजेपी को खला है। बीजेपी को यह महसूस हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष न होने की वजह से बेहद तरीके से, बेहद आक्रामक तरीके से जन मुद्दों के साथ जिस तरीके से शुरुआत के दौर में उनके विधायक रखने की कोशिश किए थे, चूंकि बैकअप नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो उस वजह से वो धीरे धीरे जो उनकी जो आक्रामकता थी, उनका जो एग्रेशन था, वो कहीं ना कम हो गया। और ऐसे भी कहा जाता है कि बिना मांझी के आप अपने नाव को बहुत दूर तक खे नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसा ही नजर जो है, कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है इस बजट सेशन में भी देखने को मिल रहा है। आप तक क्या वाकई
लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना एक बड़ी वजह है, या फिर बाबूलाल मरांडी को अभी तक बीजेपी में ही स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग कि वो विधायक दल के नेता रहे या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद उनके ही लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक हैं, चाहे नीलकंठ सिंह मुंडा हो, सीपी सिंह हो, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी जो बीजेपी के कोर हैं, नेता हैं, जो 5-6 बार से विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में भी इस बात को लेकर टीस है कि इतने वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद भी पार्टी क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करती है। और आपने देखा होगा कि कई बार मजाकिया अंदाज में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह भी चुके हैं कि बाबूलाल मरांडी को अगर विधानसभा के कोर्ट की तरफ से अगर मान्यता नहीं दी जाती है तो जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे सीपी सिंह हो, चाहे नीलकंठ सिंह मुंडा हो, ऐसे नेताओं को चेहरा क्यों नहीं बीजेपी जो है वो बनाती है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो ये भी एक मसला है, बाबूलाल की स्वीकारता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के अंदर भी, और वो जो एकता होनी चाहिए, जो एकजुटता होनी चाहिए, शायद उसकी भी कमी आप कह सकती हैं कि इस सेशन के दौरान में देखने को मिला है आसिया। लेकिन चलिए एक बात तो अच्छी है राकेश, जिस तरह पहले सदन में जो हंगामे हो रहे थे कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे थे, अब आप इसे धार कूद पड़ी कहें या फिर ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात भी, जैसा आपने भी कहा कि अब कम से कम जनता के मुद्दे उठ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं और उन सवालों का विभाग के मंत्री जवाब भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी परंपरा भी है ये। नहीं बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने हाल के दिनों में अगर आप देखें तो थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी में भी उन्होंने बदलाव किया। आमतौर पर जब भी सरकार का जवाब आता था बीजेपी के जो विधायक थे वॉकआउट कर जाते थे या सदन की कार्रवाई को बाधित कर देते थे, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीर हाउस की देखने को मिल रही है आसिया, कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो चर्चा में भी शामिल होते हैं और अपनी जो क्षेत्र के जो इशू हैं उसको भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने अपना एक स्टाइल बदला, अपनी एक स्ट्रैटेजी बदली और उनको लगा कि ये जो बजट सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे आने चाहिए, विधायक अपने क्षेत्र के सवाल को लेकर सदन में आए, हाउस के अंदर उस बात को रखे और सरकार से जवाब तलब करे, तो उसकी एक शुरुआत एक अच्छी तस्वीर के तौर पर अभी हाउस चल ही रहा है, 2 दिन बाकी आसिया, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये अच्छी तस्वीर जो है वो 2 दिन और आपको नजर आएगी और जनता के ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है वो हाउस में देखने को और सुनने को मिलेगा आसिया। चलिए शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना और दूसरी बात यह भी है कि बाबूलाल मरांडी को वो स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है उनके ही दल में, और शायद यही कि एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही हो। इसके अलावा भी कई और वजहें हैं, इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, सत्ता पक्ष पर, कि स्पीकर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कई तरह के ये आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन एक